बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 4 है, रियासत का इस्तेहकाम और आइन की तैयारी, कंसोलिडेशन ऑफ द स्टेट एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1947-58। पाकिस्तान बना तो उस वक़्त कोई आइन बाकायदा हमारे पास मौजूद नहीं था, तो उस वक्त यही फैसला किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें कुछ चेंजेस करके उसी को लागू कर दिया जाए, तो आइन को बाद में बना लिया जाएगा। ऐसे किया गया और उसी आइन को लागू कर दिया गया। आज हमारा जो अगला और अहम सवाल है वो है इब्तदाई मसाइल, अर्ली प्रॉब्लम्स। कोई भी चीज़ जब वजूद में आती है तो उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोई इदारा, तो ये तो एक पूरा मुल्क था, और ऐसा मुल्क जिसको अंग्रेज़ दौर में काबिले तवज्जो ना समझा गया, तो बहुत से मसाइल थे जो इंतज़ार कर रहे थे, और कुछ ऐसे मसाइल थे जो पैदा किए गए ताकि ये मुल्क ना चल सके। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और कांग्रेस को सिर्फ इसी बात पे चुप करवाया, खामोश करवाया कि आप फिक्र ना करें, मैं जिन्ना को ऐसा कटाफटा पाकिस्तान दूंगा कि वो चंद माह बाद ही मजबूर होकर आपके कदमों पे आ गिरेंगे और दोबारा कहेंगे कि मुतहिदा हिंदुस्तान बनाया जाए। लेकिन अल्लाह का फजल चूँकि शामले हाल था और है, और चूँकि ये 27 रमजान मुबारक को ये वतन मार्ज वजूद में चूँकि ये वतन 27 रमजान मुबारक को मार्ज वजूद में आया था, इसलिए ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। सबसे पहला जुल्म जो पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आते ही उस पर किया गया वो थी रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफियाँ। एक हदबंदी कमीशन कायम किया गया जिसने पाकिस्तान और भारत की हद मुकर्रर करना थी। एक अंग्रेज लॉयर रेड क्लिफ को इसका सरबराह मुकर्रर किया, लेकिन उसने कतन इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया और कई मुस्लिम इलाके हिंदुस्तान के सुपुर्द कर दिए, जिनमें गुरदासपुर का इलाका, ताकि भारत को कश्मीर का रास्ता जो है वो मिल सके, और ये आज तक मसला मौजूद है। इसके अलावा कपूरथला, ज़ीरा, फिरोजपुर की रियासत तहसीलें, ये सारे इलाके इंडिया के हवाले कर दिए गए। एक और बहुत बड़ा मसला जो क़याम पाकिस्तान के साथ ही सामने आया वो था मुहाजरीन की आबादकारी, सेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स, बहुत बड़ा मसला था। पाकिस्तान जब मार्ज वजूद में आया तो उस वक्त जो माइग्रेशन हुई, That is ever biggest migration in the history of the world. तकरीबन 1,15,00,000 के करीब लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए, जिनमें तकरीबन 65-70 लाख जो थे वो मुसलमान भारत से पाकिस्तान आए, और राउंड अबाउट 40-45 लाख हिंदू और सिख जो हैं वो पाकिस्तान से इंडिया गए। अब इस दौरान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या जुल्म किए गए होंगे, ख़ास तौर पे जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे उन पे जुल्म ढाए गए। अब अगला मसला उनकी आबादकारी था। बहरहाल
बहरहाल कायदे आजम की क्यादत ने मुसलमानों ने भरपूर अंदाज में अपने भाइयों को खुश आमदेद कहा और पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो थे उस वक्त उन्होंने भी बड़ी दलेरी बहादुरी हिम्मत से काम किया और लोगों की यहाँ पे जो आबादकारी थी उसको मुमकिन बनाया। बहरहाल ये एक इंतहाई मुश्किल काम था जो लोगों ने हिम्मत बुर्दबारी से किया और अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा, इन लोगों को माली इमदाद की ज़रूरत थी वो भी की गई, खाना लिबास जो भी मसाइल थे वो इनके हल किए गए। अगला बड़ा मसला वो था इंतज़ामी मुश्किलात। यहाँ पे भी हिंदुओं ने अपनी जहनी कैफियत दिखाई। वो लोग जाते हुए मेज़ कुर्सियाँ तक तोड़ के गए, टाइपराइटर तोड़ कर गए, रिकॉर्ड को फाड़ दिया गया ताकि आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से इंतज़ाम को ना संभाल सकें। बहरहाल जज्बा मौजूद था, मुसलमान इस जज्बे के तहत आगे बढ़े कि हमने इन मुश्किलात पर काबू पाना और आर्जी दफातर कायम करके जो कुल 81 मुसलमान अफसर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत से इन हालात पर काबू पाया। बहुत मुश्किल वक्त था लेकिन उस वक्त लोगों में एक जज्बा था और इसको मसले को हल किया गया। मुआशी मुश्किलात, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स के बगैर तो एक घर नहीं चल सकता, तो फिर ये एक मुल्क था। पर इन मुश्किल हालात में अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को पसमांदा रखा, कारखाने यहाँ पर नहीं लगाए गए, पटसन के कारखाने बहुत कम थे यहाँ पे, बैंकों की जो शाखें थी वो ना होने के बराबर थी। कांग्रेस की असल में ये साजिश थी कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर पसमांदा रखा जाए, इसके हिस्से जो असासे थे वो भी कम दिए गए। दोबारा मुसलमानों ने अल्लाह के फजल और अपनी कोशिश से इन हालात पर काबू पाया। दूसरे असासों की तरह फौजी असासों की तकसीम भी जो है उसमें इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। माहदे के मुताबिक ये था कि 36% पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे लेकिन उसको भी तकसीम जो है मुनासिब नहीं। पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर में 16 असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां थी लेकिन वो सारी की सारी फैक्ट्रियां जो हैं वो उन इलाकों में थी जहां पे गैर मुस्लिम आबादी थी। इस तरह यहाँ पे भी पाकिस्तान को महरूम रखा गया। ज़रात हमेशा से इस इलाके की अहम पैदावार रही है, ज़रात में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान बना तो भारत ने कई दरियाओं का पानी रोक लिया, कई हेडवर्क्स पर पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी रोक दी गई जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की ज़मीन बंजर हो जाए और ये मुआशी और ज़रई तौर पर बहुत पीछे चले जाए। बहरहाल 1960 में
एक माहिदा हुआ जिसको सिंतास का माहिदा कहते हैं, उसके तहत तीन दरिया पाकिस्तान को मिल गए और तीन भारत को। सियासी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फैसला ये हुआ था कि जो रियासत चाहेगी वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी और जो चाहेगी वो इंडिया में। लेकिन कुछ रियासतों पर भारत ने अपनी दहशतगर्दी के ज़रिए, अपनी मनमानी के ज़रिए मनावदर, दीर, सवात, जूनागढ़ ये चाहती थी कि पाकिस्तान से इलाक किया जाए। जूनागढ़ पर भी भारत ने कब्ज़ा किया और कश्मीर की, जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा आबादी थी, वहाँ पर भी कब्ज़ा कर लिया और आज तक वो कायम। हैदराबाद दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया गया। इस तरह ये सियासी तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत पीछे रखने की कोशिश की गई। तो अजीज तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, बड़ा अहम सवाल है, इसका क्वेश्चन अभी मैं अजीज तलबा आपका ये एक शार्ट क्वेश्चन है जो आज हमने लेसन पढ़ा उसमें, क्या हमें पाकिस्तान के बाद मुश्किलात जो पेश आई उनमें से सिर्फ तीन के आपने नाम लिखने, अगर एक एक लाइन भी साथ लिखते हैं तो उसमें भी कोई मुजायका नहीं है। एक ये शार्ट क्वेश्चन है और एक जो आज हमने लेसन पढ़ा उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, वो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा कि हमें पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली मुश्किलात का जायज़ा लें। तो ये आपने तैयार